उदयपुर जागो। पासपोर्ट कार्यालय है हमारा हक, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। लोकसभा चुनाव भी है पास, अभी चुके तो फिर मत कहना। आप भी बनिए राष्ट्र न्यूज की मुहिम का हिस्सा। जागो उदयपुर जागो, देखते रहिए सिर्फ राष्ट्र न्यूज पर रोजाना शाम 6 बजे। लेकिन इसके आगे की लड़ाई अभी बाकी है। पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर जो लाना है, पूरा पासपोर्ट फुल फ्लेश पासपोर्ट सेवा केंद्र ही मांगा था, लेकिन अभी जो पहली पासपोर्ट लघु केंद्र दे रखा है, और हमें अभी आज भी यहाँ कभी जयपुर जाना पड़ता है, अभी कोटा जाना पड़ रहा है अभी, तो इसलिए हम थके से महसूस तो कर रहे हैं। फिर माँ कैंप लगाया, उसमें 5-5, 7-7 दिन तक पूरा लेके हम लगा रहे, उसमें ही हमने हजारों की तादाद में यह पासपोर्ट बने। तो हमने निःशुल्क मतलब 1 रुपये की लीडिट पे हमने नगर निगम ने इतना बड़ा इतनी बड़ी जगह दी है, और जगह देने के बावजूद हमें फुल फुल प्लेस पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं मिला, ये इसका हमें शिकवा तो है ही है अभी। फिर उनको कहना पड़ता भैया कोटा ब्रो, कोटा के अंदर उदयपुर आएगा, तो इसलिए अभी बहुत सी पब्लिक दुखी तो हो ही रही है। ये तो जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति की कमी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर वो सही ढंग से वहाँ अगर पैरवी करेंगे तो उदयपुर को अच्छी तरह से मिल सकता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूँ रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज की मुहिम जागो उदयपुर जागो में आज हम जुड़ेंगे देवेंद्र जी जावलिया साहब से, जो कि समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और जाने माने व्यवसायी हैं। हैंडीक्राफ्ट से आप नाता रखते हैं, और हैंडीक्राफ्ट में किस तरह से पासपोर्ट की एक महत्ता को देखी जाती है ये भी आप बताएंगे। लेकिन उदयपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र की कहानी किस तरह से शुरू हुई, किस तरह से पासपोर्ट सेवा केंद्र लाया गया, और अभी यह अपग्रेड क्यों तक अभी तक ये अपग्रेड क्यों नहीं हुआ, ये सभी बातें जानेंगे। सर आपने काफ़ी प्रयास भी किए, और आपने जो प्रयास किए वो तो जनता के लिए साबित हुआ, लेकिन उसके बाद में भी पासपोर्ट कार्यालय नहीं मिल पाया। और जैसा कि हम चंद्र सिंह जी कोठारी साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि कहीं कहीं हम ठगे से रह गए हैं। आप क्या कहते हैं, क्या अभी भी अपने आप को ठगे से ही मान रहे हैं, या फिर कोई आशा की किरण? नहीं, ये बात सही है, क्योंकि हमने पूरा पासपोर्ट फुल फ्लेश पासपोर्ट सेवा केंद्र ही मांगा था, लेकिन अभी जो पहली पासपोर्ट लघु केंद्र दे रखा है, और हमें अभी आज भी यहाँ कभी जयपुर जाना पड़ता है, अभी कोटा जाना पड़ रहा है अभी, तो इसलिए हम थके से महसूस तो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जितने आज की तारीख में जो कुछ मिला है इन्होंने दिया है, तो हम गवर्नमेंट से ये आग्रह करेंगे कि इससे पूरा फुल प्लेस पासपोर्ट सेवा केंद्र दे तो ठीक रहेगा हमारे जी। यहाँ कैंप भी लगे थे, और कैंप में काफ़ी मेहनती आवश्यकता भी रही है, एप्लीकेंट भी काफ़ी आते थे, वो क्या कहते हैं? नहीं, शुरू में लोग बाग यहाँ चाहते थे कि वो ज़्यादा इतना लोगों को लगता था कि यहाँ उदयपुर से इतने पासपोर्ट नहीं बनते थे, लेकिन जब उसके बाद में विवेक जेब सर और एलडी शर्मा जी जो हमारे पूर्व में 29,000 पासपोर्ट उन्हीं के हाथों से बने हुए उदयपुर में जब पोस्ट ऑफिस में हुआ करते थे, तो उन्होंने एक मुहिम चलाई, उन मेरे को भी जोड़ा, एक भूपिंदर राव रास्ता में थे उनको भी जोड़ा, और 5-6 जने को जोड़ के फिर उन्होंने एक मुहिम चलाई। फिर हमने गुलाब जी भाई साहब से बात की, तो विवेक जेब सर ने शुरू में हमारे लिए यहाँ एक कैंप लगाना स्टार्ट किया। पहले 1 दिन का 2 दिन का कैंप लगता था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने 5-5 दिन का माह कैंप भी लगाया, जिसके अंदर पर डे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा इतने सारे पासपोर्ट बनेंगे। पर डे सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगी रहती थी, मतलब 200 हो जाता तो 250-300 तक पहुँचते थे, 400-400। फिर माह कैंप लगाया, उसमें 5-5, 7-7 दिन तक पूरा लेके कैंप लगा रहा, उसमें ही हमने हज़ारों की तादाद में यह पासपोर्ट बने। फिर उसके बाद में उनको थोड़ा लगा, और उन्होंने मतलब कोशिश की कि भाई आप यहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र लघु सेवा केंद्र दे सकते हैं, तो देने की कोशिश की उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि आप क्या जगह की आवश्यकता पड़ेगी, फिर गुलाब जी के साथ हमने जगह की बात की, तो हमने निःशुल्क मतलब 1 रुपये की लीडिट पे हमने नगर निगम ने इतना बड़ा इतनी बड़ी जगह दी है, और जगह देने के बावजूद हमें फुल प्लेस पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं मिला, ये इसका हमें शिकवा तो है ही है अभी। और आप ये भी मानते हैं कि पूरे देश में पासपोर्ट ऑफिस के पास इस तरह के कार्यालय, इस तरह के भवन आज भी नहीं हैं? नहीं नहीं, ये तो खाली पांडिचेरी में गवर्नमेंट ने दिया था एक बार, और ये गया सेकंड यहाँ दिया है, बाकी तो सभी जगह किराए पे चल रहे हैं।
खुद की पर्सनल बिल्डिंग कहीं भी नहीं है, तो उनको ये तो सोच के और करना चाहिए। उदयपुर में अगर खुद की ज़मीन दी है, खुद का पासपोर्ट मतलब अपनी अलग से एक रुपये लीजिए पे इतनी बड़ी बिल्डिंग दे रही है, तो उनको यहाँ तुरंत भाव से ये करना चाहिए। और आज भी बहुत सारे व्यक्ति मतलब उनको पता नहीं है, वो रोज़ फार्म भरते हैं, रोज़ फ़ोन आते हैं, भाई साहब उदयपुर तो कोटा दे, उदयपुर तो दिखा ही नहीं रहा है इसमें, उदयपुर दिखाया कहाँ था, वो कोटा के अंदर चले गया, वो कोटा उनको पता ही नहीं कोटा अलग से है कि जयपुर अलग है या उदयपुर अलग है, फिर उनको कहना पड़ता भाई यार कोटा ब्रो कोटा के अंदर उदयपुर आएगा, तो इसलिए भी बहुत सी पब्लिक दुखी तो हो ही रही है जी। देखिए दोस्तों, हम देवेंद्र जी सर के पास पहुँचे हैं और इस मुहिम में इस पासपोर्ट सेवा केंद्र की कहानी के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उदयपुर में पासपोर्ट कार्यालय क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये इसका हक है, इसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को भटकना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है। सर ना सर्दी देखी, ना बरसात देखी, ना कोई और मौसम देखा, शिविर आपने काफ़ी लगाए और उद्घाटन भी काफ़ी करवाए, फीते भी कटवा दिए, लेकिन पासपोर्ट कार्यालय नहीं मिला। हाँ वास्तव में नहीं मिला है। अब यही है उदयपुरी जनता, उदयपुरी जनप्रतिनिधि है, उनको इस बारे में लिख के भी दिया बहुत सारा और काम भी करें। हमने पिछली बार यहाँ जब आए थे चंद्र सिंह कोठारी जी ने, हमने वापस लिख के दिया था उनको कि इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने वापस आगे भी कहा कि चलो मैं देखता हूँ, अपने बिरला जी को भी लिख के दिया था, तो उन्होंने भी पूरा सुना, उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ आगे, लेकिन अभी तक इसमें कोटा खुल गया उनके, लेकिन उदयपुर नहीं खुला। और आज भी उदयपुर पब्लिक को मतलब कोटा जाके वहाँ रुकना, दो दो तीन तीन दिन बिगाड़ के फिर वापस काम करके फिर आना पड़ रहा है जी। जो कैंप लगे हैं उसमें जो डेटा मिले हैं इसके आधार पर पासपोर्ट सेवा केंद्र डिसाइड हुआ और ये खुल भी गया, लेकिन इसके बाद अपडेशन में अब ऐसी दिक्कत क्या आ रही है? ये तो जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति की कमी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर वो सही ढंग से वहाँ अगर पैरवी करेंगे तो वो उदयपुर को अच्छी तरह से मिल सकता है। और अब कोटा चले गया, कोटा भी पासपोर्ट जो केंद्र है वो भी उदयपुर के बेस पर चल रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं, या उदयपुर से वहाँ जो जा रहे हैं ना वही उन्हीं के में, वहाँ 150 से ज़्यादा पासपोर्ट नहीं बन रहे हैं, यहाँ रोज़ के 250 के ऊपर ज़्यादा पासपोर्ट बन रहे हैं, तो यहीं से मतलब रिजेक्ट कर करके वहाँ कोटा भेजा जा रहा है भोजनों को, तो वो भी गलत है, तो वो वहाँ जाके फिर वहाँ से बना के फिर वो लेके आ रहे हैं। तो सर अब आप कह रहे हैं जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति को कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, सब कुछ है हमारे पास। इच्छा शक्ति कमी को तो इसी तरह से पूरा किया था, उनको थोड़ा सा मतलब दबाव डाल के ऊपर बात करें कि नरेंद्र मोदी जी तो जगह जगह ये उन्होंने इतने सारे पासपोर्ट को कैसे सेवा केंद्र खोल दिए, उनकी तो इच्छा है वो खोले, वहीं ये आदिवासी क्षेत्रों में भी उन्होंने यही सोच के उन्होंने दिए थे, लेकिन यहाँ बहुत सारे आदिवासी यहाँ के जो अपने जनप्रतिनिधि वो सही ढंग से बात आगे नहीं पहुँचा सक रहे ऐसा लग रहा है। तो कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही, सांसद जी भी हैं यहाँ से तो बात कहीं रखने में दिक्कत आ रही। सांसद जी ने बहुत बार लिखा है कुछ किया है, लेकिन वो अभी तक पूरे सही ढंग से या तो जयशंकर जी के पास सही ढंग से बात पहुँची नहीं है, तो यहाँ की जो आदिवासी क्षेत्र के बारे में उनको या तो बताया नहीं है पूरा, भाई जयशंकर जी अच्छे इंसान है, वो कर सकते हैं अच्छे ढंग, और वो उनको बात अगर सही ढंग से पहुँच गया तो वैसे भी वो जल्दी यहाँ खोल सकते, इसको पूरा कर सकते हैं जी। दोस्तों देवेंद्र जी उस टीम की कड़ी हैं जिन्होंने पासपोर्ट सेवा केंद्र को लाने के लिए पासपोर्ट कैंप लगाने के नेतृत्व किए और उसके बाद में इस कड़ी में ये पासपोर्ट सेवा केंद्र आ सका, लेकिन इसको अपग्रेड करने में कहीं कहीं जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति की कमी है ऐसा आप कह रहे हैं। अब क्या आपको नहीं लगता है कि एक जनप्रतिनिधिमंडल इसके लिए एक प्रतिनिधिमंडल बने और आगे जाकर बात रखे? नहीं सही, गुलाबचंद कटारिया जी हमारे रेगुलर इसमें प्रयासरत हैं, लेकिन वो भी अब राज्यपाल बन गए तो वो भी इतना दबाव डाल नहीं सकते, लेकिन वो उन्होंने अभी भी हमें आश्वासन दिया कि भाई जल्द मैं आगे बात करूँगा। बाकी तो अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी के पास मैसेज भेजा कि अगर आदिवासी क्षेत्र जो लोकबाग है डूंगरपुर बांसवाड़ा सिरोही ले लो, ये उदयपुर ले लो, सलूमर भी और जिला बन गया तो ये प्रतापगढ़ ये सब भी यही उदयपुर को ही अच्छा मानते हैं कि उदयपुर एक टूरिस्ट सिटी भी है, वो ज़्यादा वो जो सोचते हैं चलो एक दिन उदयपुर हो गए आ जाएंगे तो अपने ठीक है कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा घूम भी लेंगे दोनों काम हो जाएंगे। अब कोटा जाना पड़ रहा है, कोटा से वो वापस यहाँ आते हैं, उसमें भी छोटी सी मिस्टेक रह जाती है, तो उसमें वापस उदयपुर आना, उसको घर पर जाके फिर वापस कागज चेंज करके फिर जाना, तो इससे अच्छा है कि उदयपुर अगर हो जाएगा तो उनको ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी बस, लेकिन वो उनकी आवाज़ जो है ना ऊपर से ढंग से पहुँच नहीं पा रही है। बाकी जनता का जनप्रतिनिधि का जुड़ाव तो अच्छा है और वो जनप्रतिनिधि भी जनता के बीच में ही रहते हैं, लेकिन वो वहाँ जो मैसेज जो दिल्ली पहुँचाना है वो सही ढंग से नहीं पहुँचा सक रहे हैं और उनको बता नहीं सक रहे हैं कि वास्तव में इतनी प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम थी गुलाब जी भाई साहब ने जब हमें बोला गुलाब जी साहब को हमने, तो उन्होंने कहा इसी अगर ऐसा है
तो सामुदायिक भवन इतने बड़े हुए हैं तो हमने उन्होंने काम भी किया। उनकी बाबा जी सुन के सुषमा जी ने अर्जेंट हाथों हाथ में पासपोर्ट सेवा केंद्र दिया है। अब जो वापस जो लघु सेवा केंद्र को प्रमोट करना है वो अभी तक हो नहीं रहा है, उसके लिए सही ढंग से आवाज़ अगर नहीं पहुँचेगी तो दिक्कत ही है। लेकिन अब आने वाले समय हम वापस यही कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे ढंग से वापस करके उनका पूरा सेवा केंद्र को पूरा करें। अभी हम एक इंटरव्यू में पूर्व क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी जेब साहब से बात कर रहे थे। विवेक जेब साहब ने हमें ये कहा कि भाई उदयपुर में पासपोर्ट कार्यालय की आवश्यकता इसलिए है कि एक पर्यटन स्थल भी है और वो उसके एलिजिबिलिटी रखता है। तो इतना बड़ा शहर है जो पर्यटन का क्षेत्र है और आपका जो हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय यहाँ से अटैचमेंट रखता है, मार्बल का भी एक बड़ा व्यवसाय है, औद्योगिक क्षेत्र भी लगभग यहाँ लगता है, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा देरी उदयपुर के लिए हो रही है? नहीं, इसमें वास्तव में बहुत देरी हो रही है क्योंकि आजकल जो है बड़ी बड़ी शादियाँ भी हो रही है, बड़े बड़े इवेंट भी हो रहे हैं और चार्टर प्लेन भी डायरेक्ट उदयपुर में उतर रहे हैं, तो उनका इमिग्रेशन का भी यही सिस्टम हो जाना चाहिए। तो अब ये कर तो रहे हैं लेकिन अब करें क्या, हम भी तो हम ज़्यादा अब दौड़ नहीं सकते। हम भी दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब जब वो आवाज़ माओ जब तक अब जनप्रति आगे नहीं पहुँचाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये अच्छा है कि आपकी जैसे आपने ये मुहिम फेड़ रखी है, इसके थ्रू ही अगर आगे की बात पहुँचेगी तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे ढंग से जल्दी काम कर देगी। हमारी तो सर इसलिए भी ये मुहिम है क्योंकि जनता का ये हक है, उदयपुर का हक है और हक हर बार माना जाता है, तो इस बार ये मुहिम चला करके भी प्रयास करने कि आज जनता का हक जो है उदयपुर का हक है वो नहीं मारा जाए। ये बात सही है, आपका जो मुहिम चला रही है अच्छी है और हम इससे जुड़े रहेंगे। हम भी और उनकी गालियाँ कोई बात नहीं, अब सुनने तो पड़ता ही सभी, और उनके बाप बाबू उनको एहसास भी हो रहा कि वो क्षेत्र जो है ना अब उनको लगने लगे वो मार्केट बन गया है। पहले मार्केट नहीं था, पहले जाए दिन को इनके शराब भी बैठ गया, वहाँ शराब पीते थे, सब करते, लेकिन आप आज की तारीख में वो बहुत अच्छा मार्केट बन गया, वहाँ पब्लिक घूम रही है अच्छा सही ढंग से, तो पहचान उनके एरिया की पहचान भी हो गई है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ है इस जगह, तो उनकी पहचान भी पासपोर्ट के नाम से पहचान जाता है। तो देखिए दोस्तों, हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र से जुड़े देवेंद्र जी का ये साफ कहना है कि 2024 में हम कैसे भी इस पासपोर्ट कार्यालय को लाएंगे, लेकिन हमको लंबा संघर्ष करना पड़ा और इसकी विधिवत प्रक्रिया के तहत अभी तक उदयपुर को पासपोर्ट कार्यालय मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही है, ऐसा एक देवेंद्र सवाल जानते हैं। सर मुहिम कई सारी होती है, लोग जुड़ते हैं लेकिन कई बार मुद्दे पटक जाते हैं। हमारा तो एक छोटा सा प्रयास है, बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है और हम चाहते हैं कि शहर के लिए बने, ये मुहिम छेड़ रखी है, तो हम यही चाहते हैं कि उनके उन्होंने जो अच्छा काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं और जनता को भी जागरूक कर रहे हैं और जनता उससे जुड़ भी रही है, ऐसा ही नहीं है। उनके आपकी जो न्यूज़ देखी है लोगों को पता भी लग रहा है, हाँ वास्तव में जो प्रॉब्लम है उसको किसी न किसी से सोल्व किया जाए जी। तो वो भी जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, अभी गुलाब चंद कटारे वाली राज्यपाल बन गए, उनसे भी जाके रेगुलर मिल रहे हैं, मिले हैं, उन्होंने भी आगे वापस आश्वासन दिया कि किसी भी हालत में या उदयपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र फुल ब्लेड ला के देंगे। तो दोस्तों ये थे देवेंद्र जी, जिन्होंने पासपोर्ट सेवा केंद्र के उदयपुर में आने तक की कहानी को बताया। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ही अभी तक पेंडिंग है, लेकिन अभी इसको लाने में देरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपका कहना है। राष्ट्र न्यूज की मुहिम जागो उदयपुर जागो से जुड़ने के लिए आप 9829094913 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं। सर आज आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।